आद्य अंत और मध्य चराचर जब से सृष्टि उपासी, या में मोक्ष मड़े नहीं मुकरे बिना गुरु बोध समासी, हो संतो गुरु चरणन का उपासी। आद्य अंत मध्य और चराचर जब से सृष्टि उपासी, जब से सृष्टि पैदा हुई तब से आद्य अंत मध्य एक ही सत्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और वो सत्य ये है कि मोक्ष मुक्ति केवल गुरु ही निश्चित कर सकते हैं, परम गुरु ही निश्चित कर सकते हैं। इनके बोध सिवा, उनकी कृपा, उनका उपदेश सिवा ये कार्य सिद्ध नहीं होगा, इस बात को आप निश्चित मानिए। इसीलिए कहते तन मन धन कदम पे धरना, मन क्रम वचन की आसी। मन क्रम और वचन से आशिक बन के प्रेम धारण करके तन मन धन गुरु महाराज के कदम पर रख के वो कहे वैसे उसका उपयोग करके उनके शरण में जाओ, तो नारदास जी कहे कि मैं गया और मैं सब कुछ हार गया, मेरी सारी मति यहाँ पराजित हो गई, ऐसा गुरु महाराज के शरण का प्रभाव मैंने देखा। उसी श्रृंखला में आगे गुरुदेव कहते हैं मेरे ऐसे कौन गुरु है मेरे ऐसे, कोई पूछे कि भाई इतने गुरु की तुम बखान करते हो, इतना गुरु शरण की महिमा गाते हो, शरण को गुरु कौन है, कौन से गुरु तुम्हारे? तो कहते श्रीमत कुबेर गुरु मेरा हो संतो, श्रीमत कुबेर गुरु मेरा पायो चरण कमल सुख शेरा हो संतो, श्रीमत कुबेर गुरु मेरा, श्रीमत कुबेर गुरु मेरा, मेरा गुरु कौन है? तो कहते श्रीमत कुबेर मेरा गुरु है, परम गुरु करुणा सागर का श्रीमत कुबेर संबोधन है। श्रीमत जिन्होंने सकृता सिद्धांत रूपी मत का प्रतिपादन किया है वो श्रीमत है। कुबेर सर्जनहा ने जब आज्ञा की क्यूब लगावत बेर, इसीलिए कहा कुबेर जाओ जल्दी बेर मत लगाओ। सर्जनहार ने अपने परम विशेष को आज्ञा की बेर मत लगाओ, जाओ और मेरे सभी अंशों को चेताओ, सभी अंशों को निज कर्ता का ज्ञान दान करो। जो कर्ता का लक्ष्य देते हैं, जीव का त्रिविध ताप नष्ट करते हैं, शरणागत को परम पद का दान देते हैं, वो गुरु कौन है? नारदास जी कहते हैं सुनो मेरे गुरु कौन है, श्रीमत कुबेर गुरु मेरे हो संतो, श्रीमत कुबेर गुरु मेरे, परम गुरु श्रीमत करुणा सागर मेरे गुरु है। पायो चरण कमल सुख शीरा, जिनकी चरण कमल की सुख, चरण कमल की सुख सेवा मैंने प्राप्त की है। शेरा को शीरा शब्द है ना, जानते हो शेरा शब्द कहीं सुना है तुमने? कहते हैं ना शेरा सजा के आना, वो शेरा सर पर जो मुगट आता है उसको कहते हैं, जब राजा बनते हो तब शेरा से जाना पड़ता है, यहाँ ये शेरा शब्द है। देखो मेरे सिर पर गुरु महाराज के ज्ञान का सिर ताज खड़ा है, वो शेरा है, वैसे मेरे गुरु है करुणा सागर। ज्योसुर तेज सकल पर सरखा, समस्त दिदन पे नेरा, अंध आदित्य को किस विध जाने, खोले लोचन सब हेरा। मेरे गुरु का ज्ञान प्रकाश सबके पर पड़ता है, मेरे गुरु है इसलिए केवल मेरे ही हैं, मेरा ही कल्याण करेंगे ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूं मेरे गुरु हैं, वो तो कहते सारा संसार मेरा है। गुरु तो कहते हैं जितने मेरे शरणपण आए वो सारे मेरे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो मेरे परम गुरु हैं, जिनका सबको लाभ मिलता। ज्यों सुर तेज सकल पर सरखा, ज्यों सूर्य जब निकलता है तब उसका तेज सबके पर एक समान पड़ता है। सूर्य किसी पर पक्षपात रखता नहीं है, कोई उसका भक्त हो, कोई उसका वंदक हो, चाहे कोई उसका निंदक हो, लेकिन वो तो अपना प्रकाश सब पर एक समान डालता है। उसी तरह मेरे गुरु है, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि तो सबकर है, लेकिन क्या करें,
जैसे सूर्य, सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, जिसकी आंखें होती वो उसका अनुभव कर सकता है। जो अंध आदित्य को किस विधि जाने, जो जन्म से ही अंध है वो सूर्य का अनुभव कैसे करेगा। इसलिए मेरे गुरु ऐसे समर्थ सूर्य है, सूरज के समान है, उनका प्रकाश रूपी प्रताप सबको सुख देता है। लेकिन जो जन्म से अज्ञान है, ये अज्ञान ही रहना चाहते हैं, उनको कैसे पता लगेगा। लेकिन नारदा जी महाराज कहते, मेरा दावा है कि अगर जन्म से अंधा भी यानी अज्ञान भी मेरे परम गुरु के शरण में चला जाएगा तो उसके भी लोचन ज्ञान के प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा प्रताप मेरे गुरुदेव का है। गुरुदेव कैसे मेरे लिए, तो गुरु सूर्य में द्विधन कहां हूं, गुरु मेरे लिए सूर्य है और मैं नेत्र हूं। देखिए नेत्र हमारे क्यों देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य चंद्र के अंश है, सूर्य भी अग्नि तत्व और नेत्र भी अग्नि तत्व है, इसलिए वो सजातीय है, इसलिए वो रूप मात्रा का आंख अनुभव कर सकती है। लेकिन बिना सूर्य रूप मात्रा का अनुभव आंख नहीं कर सकती। मेरी आंख तो है लेकिन मैं देख कब सकूंगा, जब सूर्य का प्रकाश होगा तब। इसीलिए मेरा और गुरु का संबंध, गुरु मेरे सूर्य है मैं आंख हूं, गुरु चंद्र है तो मैं चकोरा हूं, चकोरा पंछी, किसी की सूर्य चंद्र से इतना इतना इतनी लगन है कि वो जलते अंगारे को भी अपने मुंह में पकड़ लेता तो भी जलता नहीं, इसके प्रेम का इतना प्रभाव है। गुरु अर्णव है तो मैं सलिता हूं, गुरु समुद्र है तो मैं नदी हूं, गुरु गण है तो मैं स्वाति नक्ष स्वाति बुंद हूं, गुरु गण है तो मैं स्वाति बुंद हूं, यानी मेरा इसी तरह से गुरु से संबंध है। गुरु चंदन है तो मैं सर्प हूं, निशदिन जरत शरीरा। सर्प की क्या दशा होती, जो जहरीले सर्प होते हैं उनके शरीर में विष उत्पन्न होता रहता है। अब वो विष अगर निकल नहीं जाया किसी तरह से, उस सर्प किसी को काटेगा, किसी को फुफाड़ेगा, कुछ भी कहेगा तो उसके मुंह में से विष बाहर चला जाता है। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला तो उसके शरीर में पैदा हुआ वही पॉइजन उसके शरीर को जरा देता, उसको पीड़ा देता, उसकी गर्मी वो सहन नहीं कर पाता, अपने विष की गर्मी वो स्वयं सहन नहीं कर पाता। इसलिए क्या करता है वो सर्प, तो ढूंढता है चंदन को, चंदन के पेड़ को ढूंढता है, और चंदन जिसका गुण शीतल है वो सर्प उस चंदन को लपेट के वहां बैठ जाता, उस चंदन के प्रभाव से उसका विष का प्रभाव कम हो जाता, उसका जलन कम हो जाता। उसी तरह नारदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे शरीर में भी सांसारिक विष व्याप्य है जिससे मेरा तन मन जरता है, मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन चंदनवत गुरु है उसकी शरण में जाने से मेरे सभी तरह के संकट सभी तरह का विष दूर हो जाता है। अनंत कल्प कर्म अनल अंग में प्रसत हरत विखवीरा, विख यानी जहर, मेरे शरीर में जो जहर प्रसरित हो रहा है उसको गुरु तुल्य चंदन के प्रभाव से कम हो जा होता जा रहा है, यानी गुरु उसको कम करते हैं। शरद ऋतुगण गुरु छिप मोई, छिप मम मोई प्रीते परमानंद पूरा। मैं एक सामान्य छिप हूं लेकिन जैसे शरद ऋतु गण का बूंद, गुरु कैसे हैं शरद ऋतु का गण के बूंद के समान है, मेरे जैसे सामान्य छिप के मुंह में पड़ने से वहां मुक्ता फल प्राप्त होता है। यानी गुरु महाराज जब मुझे मिल जाते मैं एक सामान्य अंश में से विशेष गति प्राप्त करता हूं। व्रहवंत लग्न उल्लास हमेश जिनु निपजे मुगत महानूरा। व्रहवंत मैं उनके प्राप्त, मछली कैसे, मछली को व्रह होता है और एक प्रेम होता है कि मैं शरद ऋतु का बूंद को ग्रहण करूं, और वैसे व्रह भाव से जब शिष्य गुरु के शरण में आ जाता है तो उसको भी मुक्ता फल रूपी मुक्त मोक्ष रूपी मुक्ता फल प्राप्त होता है, वैसे मेरे समर्थ गुरु हैं। नारदा जी महाराज ने सारे रूपक ही रूपक इसमें डाल दिया, मैं कौन गुरु कौन, मैं शिष्य कैसा मेरे गुरु कैसे,
आगे एक उदाहरण और भी दिया है, साकर खोर खग गुरु मम शल्या करत सकर भई नवेरा, रहे वितरे के जम तम ही अनादु मिलनता निज पद सेरा। एक पंछी आता है मिश्री खोर, साकर खोरू। मिश्री खोर पंछी का मतलब ऐसा है कि जो पंछी केवल मिश्री का ही उपभोग करता है, केवल शक्कर ही खाएगा और कुछ नहीं खाता। अब इतनी शक्कर कहां से मिलेगी उसको, तो फिर भूखा मरेगा ना। लेकिन कहते ना, भगवान ने उसकी चांच में ऐसी शक्ति दी है कि मिश्री खोरू पंछी किसी पत्थर को अपनी चांच लगाएगा तो मिश्री हो जाएगा, वो साकर हो जाएगा, और साकर हो जाने के बाद वो खाएगा। कैसी चमत्कारिक शक्ति! ये सब रूपक है, दंत कथाएं हैं, हमको समझाने के लिए कथा बनाई है। वो सोकर साकर खोरू मिश्र खोरू पंछी जब भूख लगती है तब किसी पत्थर को चांच लगाता है और पत्थर का रूपांतर मिश्री में हो जाता है। अब वो पंछी हो ना हो बात दूसरी है, लेकिन गुरु महाराज मेरे साकर खुरु मिश्र खुरु पंछी की तरह है कि मेरे जैसा एक पत्थर है, और पत्थर को जब वो चांच लगाते हैं तो पत्थर में से सुवर्ण बन जाता है, अरे साकर बन जाते, मिश्र बन जाती है, मिश्री मेरा। जब तक मैं पत्थर था तब तक जहां तहां भटकता था, मिलतना निज पद सेरा, और वैसे भटकता रहता, जब तक पत्थर रहता तब तक भटकता रहता, मेरा कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन गुरु ने मुझे जैसे उपदेश दिया कि मैं एक उनके शरणांगत शरण उनके शरण में आ गया और मेरा उद्धार हो गया। मेरे गुरु ऐसे हैं। आगे कहते गुरु हुमाहु छाया करुणा कर, मेरे गुरु महाराज हुमायूं पंछी की तरह हैं जिनकी छाया करुणा कर है। आगे भी पहले हमने सुना हुमाहु नामक जो पंछी होता है उसकी छाया जिसके पर पड़ेगी उस वो राजा बन जाता है, उसको राज्य मिल जाता है। तो यहाँ ऐसा हाल है, मेरे पर गुरु महाराज की छत्र छाया आ गई तो मुझे 14 लोक का राज मिल गया, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं। श्रीमत कुबेर कृपा निध्य स्वामी दास नारायण जन तेरा, ऐसे हमारे कृपा निधि स्वामी है, मैं नारायण दास उनका ही दास हूं, ऐसे मेरे गुरु है। आगे 10वीं गोड़ी में बताते हैं उसी गुरु गुरु का और महिमा। मेरे गुरु कौन है, कहां से आए हैं? हे विश्व के लोगों, जिस गुरु की मैं प्रशंसा करता हूं, जिस गुरु की मैं महिमा गान करता हूं, वो गुरु कौन है पहचानो। वो करुणा सागर गुरु, वो कैसे हैं? सूरज की तरह प्रगट परम गुरु भानु जगत में, प्रगट परम गुरु भानु जैन किरण ज्ञान प्रसरानु जगत में, प्रगट परम गुरु भानु। परम गुरु रूपी सूर्य का उदय हुआ है, जिसका ज्ञान रूपी किरण सारे विश्व में व्याप्त हो रहे हैं, और वैसे गुरु महाराज के ज्ञान से गति प्रकाश अचर अचर बूझत सूज परे निज ज्ञानु, जैसे सूर्य का प्रकाश आने से स्थावर जंगम सभी पदार्थ देखने मिलते हैं, सबको हम देख सकते हैं, और सूज परे निज ज्ञानु, वैसे यहाँ जो सूर्य उदय हुआ है उससे हम क्या देखते हैं? निज ज्ञान, जिसको हम भूल चुके हैं, जिससे हम अनजान बन गए हैं, वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सूज परे निज ज्ञानु अंशी अंश सकल के कर्ता शरणांगत सुखदानु, उनकी कृपा से अंशी अंश सकल के अंश अंशी के जो करता है, अंश और अंशी वही करता है, उसके शरण का सुख प्राप्त होता है, ऐसे मेरे परम गुरु भानु की तरह सूर्य में इस विश्व में उनका उदय हुआ है। निज शरणानु सुख अपल बल बलवंत धनीनु बहानु, महद मोज प्रिय पति को जो लागे श्वेत वेत विद्वानु। निज शरणानु सुख अपल बल, मेरे समर्थ गुरु के शरण का सुख ही अपरंपार है। तभी भी वो कहते हैं कि मेरे सर पर सर्जनहार, सर्जनहार का बहाना लेके वो आए हैं, उनके सर पर सर्जनहार का बहाना है। वो नहीं कहते मैं सर्जनहार हूं, सर्जनहार का बहाना लेके आए हैं कि हम हमारे सबके सर्जनहार है और हमको उसके शरण उनके शरण जाना है।
महाद मोज प्रिय पति कुजो लागे श्वेत वेत विद्वान। और वैसे मेरे गुरु महाराज हमको प्रिय लगते हैं और विश्व नियंता सृजनहार को भी प्रिय है, क्योंकि वो सृजनहार का बहाना लेके आए हैं, इसीलिए सृजनहार को भी मेरे परम गुरु प्रिय है। श्वेत वेत विद्वानु, जिनके जिनकी विद्वता, जिनका ज्ञान वेद से भी अगाध है, और ये अगाध ज्ञान विश्व को देते हैं, सृजनहार का ज्ञान देते हैं, इसीलिए परम गुरु सृजनहार को भी प्रिय है। दूसरा ये भी अर्थ किया जाता है कि जो परम गुरु के शरण में जाएगा वो विश्वनीयता सृजनहार को भी प्रिय लगेगा, क्योंकि सृजनहार को भी उमंग होगा कि चलो मेरा अंश उधर उधर भटकता था वो सब छोड़ के मेरे शरण में आया। गुरु महाराज का, मेरे गुरुदेव का ऐसा ज्ञान है, वेद से भी अपार ज्ञान है, कि जिस ज्ञान को प्राप्त कर सामान्य अंश सगर सृजनहार का शरण में जाता है और उसको देखकर सृजनहार को भी अत्यंत आनंद होता है, प्रीत होती है। छूटे विनता दीनता पति वश जस जिनु जग विखरानु, आलोक वर पर लोक दे दानु जगत में। छूटे विनता दीनता पतिवश, विनता एटले वनिता स्त्री, जो स्त्री प्रतिवता है उसकी दीनता नष्ट हो जाती है, वो कभी दीन बिचारी दीनहीन और बिचारी होती नहीं है, क्योंकि उसका पति उसकी रक्षा करता है। और वैसी प्रतिवता को यश जगत में यश भी मिलता है, वो दीनहीन भी नहीं होती और संसार में उसको यश भी मिलता है। उसी तरह मैं मेरे गुरु के शरण में चला गया हूं, ये हम सबको कहते हैं कि जो गुरु के शरण में जाता है वो आलोक और परलोक सब में प्रीति प्रेम प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु महाराज उसको अनुभव रूपी गति का दान देते हैं, अनुभव रूपी गति का दान देते हैं, जिससे वो आलोक में और परलोक में सब जगह यश प्राप्त करता है। ऐसे मेरे समर्थ गुरु हैं। श्रीमत कुबेर शरण सुख जेता लहे शिष भये ते नारायण दास धन अर्पाणु जगत में प्रगट, जैनी किरण ज्ञान पसरानु। श्रीमत कुबेर शरण सुख जेता लहे शिष्य बहेते सुजानु। मैं समझता हूं अर्थ सुनते सुनते तुम्हारी भी ऐसी गति हो जाएगी कि जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे अर्थ निकलते जाएंगे, है कि नहीं? ये अनुभव पहले तुम बहुत तभी प्रार्थना बोले होंगे, बार बार सुनी भी होगी, लेकिन इस समय अनुभव करो आप। इस समय ऐसी स्थिति हमारी होगी, केवल हम प्रार्थना बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, इस समय बैठे हैं इसको समझने के लिए। और जब समझने के लिए आप बैठते हो और उसका पाठ करते हो तो निश्चित अपने आप ही गुरु हमको ऐसी गति देते हैं कि शब्द शब्द का अर्थ अपने आप इसमें से निकलता जाता है। देखो शब्द शब्द का अर्थ अपने आप इसमें निकल जाता है, तो ऐसी बात है। जब आम कच्चा हो तो तुम कितना भी दबाओ गुठला अलग नहीं होगा, लेकिन जब पक जाएगा थोड़ा दबाया गुठली अलग, बराबर। बाकी तो आज तक तुम कच्चा आम दबाते रहे, गुठली निकलती नहीं थी और हाथ दुखता था, गुठली निकलती नहीं थी और हाथ को दर्द होता था, लेकिन जब आम पक जाता है और फिर दबाओ, थोड़ी सी मेहनत करोगे हाथ में भी नहीं रहेगी, उछल के हाँ आगे जाए। इस समय ऐसी स्थिति है। देखो तो श्रीमत कुबेर शरण सुख जीता लहे शिष्य भय ते सुजानो, जो परम गुरु श्रीमत करुणा सागर के चरण कल में जो शिष्य आए वो सारे सुजान हो गए, सबको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसीलिए
नारायणदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे गुरु के शरण में मैंने मेरा तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया है। 10 गुड़ी यहां पूर्ण होती है। एक एक गुड़ी ज्ञान का भंडार है। इसको धीरे 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 जैसे 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 तुम समझते समझने का प्रयत्न करोगे, हालांकि हमने यहां जो उसका अर्थ किया है वो भी पर्याप्त ही है, लेकिन एक बार समझने से शायद इतना समझ में नहीं आएगा। उसको बार 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 सोचोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो आप हमारी गति और विशेष होगी, और गति और आनंद आएगा। तो ये घोड़ी पद ऐसे है। अब आ गई संध्या साखी। 10 घोड़ी पद है तो 10-10 घोड़ी में परम गुरु का ज्ञान का सिद्धांत का वर्णन है। ये वर्णन सही है, उसके लिए साक्षी भी तो चाहिए। गुरु महिमा का इतना वर्णन हो गया, उसके बाद साक्षी आ गए। कर्ता स्तुति हो गई तो उसके बाद भी साक्षी आ गए। 3 यहां भी साक्षी आ गए कि हाँ गुरु महाराज की ऐसी बात है, इसीलिए अब क्या करो। तो संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा कर गुरु चरण निवास गुरु की कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीटन जानत भ्रंग को सोई कर ले आप समान गुरु मुरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चको अष्ट पहर निरखत रहे। बस ये संध्या साखी की रचना की है परम कृपाणु परम गुरु श्रीमत करुणा सागर ने। करुणा सागर महाराज द्वारा संध्या साखी का वर्णन है। कहते कि जो संध्या समय होता है वो समय स्मरण का है, भजन का है, और सारी प्रवृत्ति छोड़ो, गुरु महाराज के भजन में ही भरोसा रखो, तुम्हारा सारा काम होगा। हम तो भगवान का भजन करते करते भी चिंता करते हैं, ये होगा, ये रह गया, फलाना ढिकना, चंचल चंचल। अरे कुछ भरोसा तो रखो। जब भरोसा नहीं रखोगे तो फिर वो तुम्हारी चिंता क्यों करेंगे? जब तुम स्वयं अपनी चिंता करने लग जाते हो तो फिर गुरु महाराज तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे कि तुम अपना करो, चल जाप दो करो। नहीं होते, बच्चे अपने होते हैं, तुम कब कुछ चीज को छोटे बच्चों कपड़ा पहनाओ या उसको शूज पहनाओ और वो अपने आप डालेगा तो अच्छा तुम अपने करो जाओ तब। माँ कह देती है ठीक है करो तब, और फिर दाहिना पक्का बाएं में चला जाएगा, बाएं का दाएं, तब फिर रोते रोते आएगा ये क्या हुआ मम्मी। लेकिन मम्मी तो दयालु होती, ठीक है चल कोई बात नहीं, फिर ठीक कर देती है। लेकिन भरोसा तो रखो कुछ। तो इधर संध्या स्मरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा कर गुरु चरण निवास। मन वचन और कर्म से गुरु चरण में निवास करो। गुरु की कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीट न जानत भ्रंग को सोई कर ले आप समान। गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना लेते हैं, यानी अपने समान का मतलब अपना स्पर्धक तो नहीं बन सकता कभी, लेकिन उसको इतना ज्ञान देते हैं। क्योंकि एक तो निश्चित है कि सूर्य से दूसरा दिया जल सकता है, वो दिया से दूसरा दिया जल सकता है, दिया से दिया जल सकता है, सूर्य से भी दिया जल सकता है, सूर्य अनेक दिया पैदा कर सकता है, लेकिन सूर्य से सूर्य तो थोड़ा पैदा होगा। जैसे परम गुरु अनेक दीपक जला सकते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ कहते कि नहीं मैं तुमको अपने समान बना देता हूँ। ये उनकी उदारता है, ये परम गुरु की उदारता है। गुरु की कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीट न जानत भ्रंग को सोई कर ले आप समान। जैसे कीट, एक कीट विज्ञान इसमें रख दिया है, कीटक विज्ञान। कीटक की क्या स्थिति होती है? देखिए जो भ्रमर होते हैं वो पहले अंडा रख छोड़ते हैं, अंडा में से फिर कीटक होती है और कीटक में से फिर भ्रमर होता है। उसके 3 स्टेज है, कीटक शास्त्री से पूछना कि उसके 3 स्टेज होते हैं। पहले अंडे होते हैं, अंडे के बाद फिर वो छोटा सा कीटक बनता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको पंख लगती है
और फिर जब तक पंख नहीं लगती तब तक भ्रमर क्या करता है जानते हो, बार बार उसको टकोर टकोर करता है, खुराक देता है उसको उसी तरह से, और अपनी फूंक मारता है, क्योंकि भ्रमर को ऐसा लगता है कि उसको जल्दी पंख आ जाए और वो भी मेरे तरह उड़ना शुरू कर दे। लेकिन वो चीता को पता नहीं लगता कि ये भ्रमर मुझे क्यों बार बार चांच मार रहा है, उसको तो पीड़ा होती है, लेकिन भ्रमर बार बार उसको टकोर करता है, बार बार टकोरा मारता है उसको, खुराक लाएगा खिलाएगा और अपना चांस लगाएगा, खिलाएगा चांस लगाएगा। बेचारा चीता पड़ा पड़ा पीड़ा करता है कि ये क्यों मारता है क्यों मारता है, लेकिन मारने के पीछे भ्रमर का उद्देश्य है कि इसको भी भ्रमर कीटा कीटक में से भ्रमर बना दो, ऐसे उसकी भावना होती है। तो गुरु भी वही काम करते हैं, पत्थर पड़ा पड़ा देखता है कि ये पत्थर पर बैठा हुआ शिल्पी बार बार हथौड़े से छीने से मेरे पर क्यों गा करता है, खटाक 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 ले पत्थर सोचता है, कभी कभी तो जोर से लगाता है, कभी बड़ा छीना लगाता है, कभी छोटा छीना लगाता है, और कभी जोर से गाव लगाता है, कभी धीरे धीरे लगाता है, लेकिन बस ऊपर टका टक टका टक टका टक शुरू कर रखा। तब मन में पत्थर सोचता है कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि तुमको पत्थर में से भगवान बना रहा है, मार मार के टकोरा मार मार के भगवान बना रहा है। और जब वो भगवान बन जाता बैठ जाता सिंहासन ऊपर, हैं लोग मिठाई दूध मेवा फूल लाके उसके पीछे दौड़ते, भगवान बैठ गए। लेकिन कब हुआ, जब वो पत्थर ने वो शिल्पी के जो टंकने का जो मार था वो सहन किया, तब। अगर सहन नहीं किया होता, कहीं से टूट जाता, तो शिल्पी वहां से खड़ा हो जाता, चल पड़ा रहे तू, मैं दूसरा ढूंढता हूं, और वो वैसे ही पड़ा रहता। तो यहां कहते गुरु का भी कार्य यही है, शिष्य की कसौटी करेंगे, शिष्य को तालीम देंगे, ज्ञान देंगे, सिखाएंगे, क्योंकि गुरु इच्छता है, गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य उसका भी उद्धार हो, वो भी महान हो। तो यहां ये स्थित है, गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहे सोई गुरु मूरत की ओर। शिष्य को क्या करना चाहिए, तो कि जैसे चंद्र और चकोर, गुरु चंद्रमा है तो शिष्य चकोर है, चकोरा पंछी जय अष्ट पहर, जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा के सामने ही देखता रहता है, वो अपनी दृष्टि कभी चंद्र से हटाता नहीं, वैसे शिष्य को अपनी वृत्ति गुरु से हटने देनी चाहिए नहीं, तब वो गुरु का जो गुरु जो भी देना चाहते हैं वो उसे मिल सकता है। फिर आगे कहते कि भक्त बनेगा, केवल भक्त बनेगा, भक्त बनेगा तो कैसा बनेगा, तो कहते चार चिन्ह हरि भक्त के प्रकट देखा वन देत, दया क्षमा और दीनता पर दुख। कहते मेरे मेरे शिष्य में क्या आएगा, मैं बार बार उसको ज्ञान देता हूं तो पहले तो उसमें चार चिन्ह प्रकट होंगे, उसमें दया आएगी, क्षमा, दीनता और पर दुख को दूर करने की वृत्ति। याद रखो भाई, ये जन सेवा के कार्य के लिए एक सद्गुण धारण करने चाहिए, संसार के लिए। एक आदमी केवल भगत बन गया बस, कुछ नहीं और कुछ देखना नहीं कुछ करना, कि मैं और मेरा भगवान, गुरु महाराज के ऐसा नहीं चलेगा। तुम संसार में रहते हो तो औरों की भी चिंता करो, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए किसी को भी दुखी देखो तो उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करो, किसी ने तुम्हारा पर कुछ किया तो उसको क्षमा करने का सोचो, क्षमा करने की क्षमता पैदा करो, क्षमा करने की क्षमता पैदा करनी पड़ती है, वैसे क्षमा नहीं हो सकता। तुम्हारा भी इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि तुम किसी को क्षमा कर सको, तुम्हारे में दया होनी चाहिए, किसी को दुखी देखकर मन में दया पैदा हो जानी चाहिए कि मैं उसको कैसे सहायता करूं, ये भाव होना चाहिए। कोई दुखी है तो उसको सहायता करने के लिए हमारे में तत्परता होनी चाहिए, मैं उसे कुछ सहाय करूं। मेरे शिष्य ऐसे होने चाहिए, ऐसे गुरु महाराज कहते हैं, जिसमें दया हो, क्षमा हो, दीनता ने विनम्रता, कितना भी बड़ा काम करने के बाद भी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे एक काम करते हैं, इसमें तो हजारों को कहते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अरे जिसको किया उसको भी भूल जाते कि मैंने उसको किया कि नहीं, फिर से कर दो कर दो। तो कहते नहीं, विनम्रता रखो, अहंकार मत रखो,
गुरु महाराज कहते हैं, चार चिन्ह हरि भक्त के, प्रकट दिखावन दैत, दया क्षमा और दीनता, पर दुख को हर लेत। ये चार चिन्ह अवश्य होने चाहिए ज्ञान मार्ग में विकास करने के लिए। आध्यात्मिक मार्ग के ही ये सद्गुण है। क्षमा भाव एक आध्यात्मिक भाव ही है, दया भाव भी आध्यात्मिक भाव ही है, विनम्रता भी आध्यात्मिक भाव है, और किसी पर उपकार करने की वृत्ति वो भी एक तरह का आध्यात्मिक भाव है। इसको हम दैवी गुण कहते हैं। तो हमारे में ये गुण होने चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसकी भी चिंता करो, किसी भी दुखी को देखकर तुम्हारे मन में दुख होना चाहिए। जब तक हमारे मन में दुख नहीं होता तब तक हम उसको सहाय नहीं कर सकते। किसी को कुछ भी सहायता करने के बाद भी विनम्रता होनी चाहिए, हमारे में अहंकार नहीं आना चाहिए। किसी ने अगर हमारा कुछ खराब किया तो उसको क्षमा करने का भाव हमारे में होना चाहिए, और दया का भाव तो अवश्य होना चाहिए। ये चार चिन्ह हरिभक्त के हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि ये सब मैं किसको, मुझे कौन प्रिय लगता है, मैं किस शिष्य को अपना कहता हूं, बहुत धनवान है उसको ना, नियमित रूप से आके बैठ जाता मेरे सामने उसको तो ना, मेरे मन से जिसका मिलाप हो जाता, और मेरा मन का मेरे मन से किसका मिलाप हो जाता, मैं जैसा चाहूं जो करता है उससे मेरा मन मिलता है। इसीलिए कहते धनवंता जुग में गणा, रूप रंग मन मोट, कहे कुबेर नेमी गणा, मन मेड़ू की खोट। नियम करने वाले भी बहुत है, समय समय से आ जाते हैं। हमारे कई लोग कहते हैं, मैंने कहा ना पहले दिन ही कहा था, कई लोग तो कहीं भी शिविर हो आ ही जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं, ऐसे क्या बस चुकते नहीं है, लेकिन मन मिलाप नहीं है। क्यों मन मिलाप नहीं है? जैसा कहते वैसा करते नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनने में ही रुचि होती है, करने में हाँ ऐसे बहुत लोग, मजा आ गया, हम जब प्रवचन करके उठते हैं मजा आ गया। क्या आ गया भाई? मजा आ गया। हम देखते हैं कि कितना मजा आया है, तू तो जहां है वहां का वहां ही हो, कैसे मजा आया। इसीलिए कहते हैं कि मुझे तो कौन अच्छा लगता है, जिसका मेरे मन के साथ मेल खाता है। मन के साथ मेल खाना यानी मेरे विचारों से जिसका मेल खाता है, मेरी मान्यताओं के साथ जो अपने कदम मिलाता है, उससे ही मुझे प्रेम है। धनवंता जुग में गणा, रूप रंग मन मोट, कहे कुबेर नैमी गणा, मन मेड़ू की खोट। मन मेड़ू जब ही मिले आत्म तत्व विचार, तन मन सौंपी दीजिए वाके शरण मोझार। जब मन मेलू मिल जाएगा तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं उसको मेरा तन मन सब सुपर्द कर देता हूं, उसको सब सुपर्द कर देता हूं और मेरी शरण में उसको ले लेता हूं। आगे कहा नारदा जी महाराज के, ऐसे समर्थ गुरु हैं मेरे, परम गुरु ऐसे हैं, उस गुरु को प्राप्त करो। तब वो गुरु स्वयं कह रहे कि मुझे प्राप्त करना हो तो तेरे पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। हम अगर ऐसे गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को योग्य बनाए, और योग्य बनाने में है कि हम बड़े सुंदर हैं वो भी कोई बात नहीं। कहते हैं कई कई लोग कि बहुत सुंदर है भाई, चाम से काम थोड़ा चलता है, काम से काम चलता है, चाम से काम नहीं चलता। तो तन मन सौंपी शिष्य को रहो सदा लोलीन, कहे कुबेर अंतर नहीं जैसे जल में। तन मन सौंपी शिष्य को रहो सदा लोलीन, इसलिए शिष्य को कहते हैं गुरुदेव तू सदा लोलीन रहे, गुरु के चरण में तल्लीन रहो, अपना तन मन सब उनको सुपृत कर दो। कहे कुबेर अंतर नहीं जैसे जल में मीन, और ऐसे शिष्य को वो मेरे में कैसे मिल जाता है, तो जैसे मीन जल में मिल जाता है उसी तरह शिष्य गुरु के शरण में रहता है। ज्ञान मीन का मच्छ को संग करे जन कोई, कहे कुबेरा तो मिले पैर पीवन की तोई। और वैसे जे ज्ञान मीन ज्ञान रूपी जल में जो तल्लीन हुआ है, वो शिष्य का संग भी इतना ही सुखदायी बनता है। याद रखो गुरु महाराज का संग तो सुखदायी है, लेकिन वो शिष्य जो गुरु के चरण कमल में तल्लीन बन गया, उसका भी शरण इतना ही युक्त है। वहां भी कहे कुबेरा तो मिले पैर पीवन की तोई, वहां भी तोई ज्ञान रूपी तोई यानी पानी पीने की गति प्राप्त होगी। मीन जल में रहता है, जल में श्वास भी जल में से लेता है और पानी भी वहां से पीता है। हमारी स्थिति कैसी है? अगर जल में डूब गए
और श्वास लेते लेते साथ में पानी चला गया तो कैसा हाल होता है बताइए, क्योंकि हमारे पास वो समझ नहीं है कि जल में रहकर कैसे पानी पिया जाए। मछली के पास वो समझ है, वो जल में रहती है, श्वास भी लेती, पानी भी पीती है। तो गुरु के शरण में आने के बाद ये आपको एक कल मिल जाएगी, एक कला मिल जाएगी कि संसार में रहते हुए भी आप कैसे गुरु के शरण में रह सकते हो, कैसे आत्मकल्याण की प्रवृत्ति कर सकते हो, इसका एक बोध भी गुरु शरण में आने से मिल जाता है। ज्ञान मिन यहाँ सदगुरु जो कोई शरणे जाए, कहें कुबेर कर देत है। यहाँ ज्ञान मिन समर्थ गुरु हैं और उनके शरण में जाने से कहें कुबेर कर देत है, जीव परम पद पाए, परम पद प्राप्त करने की कला देते हैं वो, वैसे समर्थ गुरु हैं। शुद्धि को समझे नहीं कथे बादलु ज्ञान, अड़ तो चढ़े ना अंगने कुबेर तक्रने पान। कई लोग ऐसे हैं कि ज्ञान को समझते नहीं, सिद्धि को समझते नहीं, और कथा करते हैं, कथते हैं बादला ज्ञान बिन जरूरी अथवा हल्का ज्ञान, लेकिन कर्ता विश्वनियंता सर्जनार अंश अंश के ज्ञान सिवाय का कोई भी व्यवहारिक ज्ञान आत्मकल्याण के लिए उपयोगी नहीं है। दुनियादारी का ज्ञान तो बहुत जगह मिलेगा आपको, लेकिन आत्मकल्याण का ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा, और उससे ही तो कल्याण होगा। कहते हैं अड़ तो चढ़े ना अंग ने कुबेर तक्रने पान, आपने दही का मथन किया उसमें से मक्खन भी निकला और तक्रने छाछ भी निकली, दोनों उसमें से निकले, लेकिन छाछ पीने से शरीर को लालिमा नहीं आती, वित्त नहीं मिलता, क्योंकि छाछ तो वो होती है जिसमें से मक्खन निकल गया हो, तो उससे तो शरीर को कोई फायदा नहीं है। शरीर को फायदा किससे है, मक्खन से। छाछ भले चली जाए, मक्खन को पकड़ो, लेकिन हमारी पाचन शक्ति इतनी नहीं है, हम कहते कि नहीं हम तो मक्खन नहीं पचा पाएंगे, छाछ होगा तो एक एक दो लीटर चल जाएगा, क्योंकि हमारी हजम करने की शक्ति कम हो गई है। जिसको मक्खन नहीं पचता, आजकल देखते हैं कि भाई भारी खुराक नहीं, हमारा काम नहीं, क्यों, देखिए पचता ही नहीं, पचता क्यों नहीं, श्रम नहीं, इसीलिए ये बिना श्रम तो पचेगा नहीं। तो गुरु महाराज कहते वैसे कई लोग जो है केवल तक्र पीने में मशगूल है, वो मक्खन से भागते हैं, तो उनके जीव उनके शरीर में लालिमा कैसे आएगी, उनको सत्व कैसे मिलेगा। सूरी नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहें कुबेर गवलोक लो जेठी तक्र आवेश। जितनी सगुण ज्ञान की बातें हैं, तत्व की बातें हैं, सिद्धि मंत्र जंत्र की बातें हैं, वो सब छाछ समान है। लीलाएं अलग अलग तरह की, ये सब छाछ की तरह है। इससे आत्म तत्व नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त होता। आत्म तत्व का ज्ञान परम गुरु के शरण में से प्राप्त होता है। खट नवने दस अष्टल्यो चारु वेद चरास व्यास वलोवण छासनो। बस ये पुराण के पीछे हम पड़े, देखिए मूल तो हमारा मूल था वेद, लेकिन वेद में ऐसे शास्त्र बने और शास्त्र के बाद बने पुराण। आजकल हम सब पुराण ही केवल सुनते हैं, शास्त्र और वेद में हमारी रुचि नहीं है। इतना हमारा अपना अपनी पाचन शक्ति इतनी कमजोर बना दी है कि अब हम केवल पुराण ही सुनने में मशगूल हैं, वेद शास्त्र तक हमारी बुद्धि पहुंचती नहीं है। अगर कोई वेद शास्त्र का प्रवचन भी करता है तो हम कहते कि इसमें क्या सुनना, क्योंकि जैसे कि हम जो है एक खमन ढोकरे खाने वाले लोग, उससे भारे कुछ पचता ही नहीं है। तो ऐसे कहते कि खट नवने दस अष्टल चारु वेद चराज व्यास वलोवन छाछनो पीवत जगते उपास। वैसे छाछ की उपासना सब करते हैं। रामचंद्र वशिष्ठ को करता पण गुरु कीन, चौदह लोक भाग्य गड़े गुरु आगे। रामचंद्र वशिष्ठ को करता पण गुरु कीन। तो अगर वित्त प्राप्त करना है, छाछ से आगे जाना है, छाछ के ऊपर तैरता मक्खन प्राप्त करना है, तो कहते हैं गुरु महाराज परम गुरु का शरण ही एक उपाय है। कहते कि बार बार आप गुरु की बात क्यों करते हो,
तो कहते देखो इतिहास देखो, रामचंद्र वशिष्ठ को कर्ता पण गुरु गिन, गुरु किन, जिसको लोग कर्ता कहते से रामचंद्र भी वशिष्ठ के आश्रम में गए। 14 लोग भागे गड़े गुरु आ गया दिन, जिसको कहते हैं को 14 लोग के कर्ता हैं वैसे लोग मानते, तो भी गुरु के आगे एक नतमस्तक शिष्य बन के खड़े रहे। तो गुरु की महत्ता है, कहो वशिष्ठ क्या दिया कर्ता को उपदेश। वैसे देखा जैसे वो खुद करता है, तो फिर वशिष्ठ ने क्या उपदेश उनको दिया, तो फिर उनके शरण क्यों गए। तो कहते भाई ये बात आपके आपके मन में संदेश है, मैं बताता हूं कि गुरु की क्यों जरूरत पड़ती है। तो पिता बुंद श्री गर्भ के जो न लहे जन कोई, कहे राजा के रंक ही खरा। गुरु की जरूरत इसे एक मानव की कोई राजा हो या कोई रंक हो, राजा हो चाहे रंक हो, लेकिन उसका बाप तो होना चाहिए कि नहीं। बिना बाप न राजा पैदा होता है न रंक पैदा होता है। अब कोई भले ही राजा हो लेकिन वो अपने पिता से अनजान है, तो फिर उसके जीवन का क्या महत्व है। उसको ये पता नहीं है कि मेरा पिता कौन है, तब तक समाज में उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती। क्योंकि समाज में जब भी जाएगा तब कोई कुछ भी काम करेगा तो तुरंत कोई पूछेगा कि तेरा बाप कौन है, और अगर उसको बाप का पता नहीं होगा तो समाज में उसको सम्मान नहीं मिलेगा। तो हमको अपने बाप का पता करना है, हम अंश है तो हमारा अंशी कौन है, हम आत्मा है तो हमारा परमात्मा कौन है। ऐसे कैवल अंश के जीव ईश्वर अवतार, कहें कुबेर सदगुरु बिना कोई लहत नहीं पार। इस जैसे पिता के बुंद से पुत्र पैदा होता है, वैसे कर्ता के अंश यही जीव और ईश्वर हैं। जीव ईश्वर आदि जितने दिखाई दे रहे हैं वो सारे सृजनहार के ही अंश है, केवल कर्ता के ही अंश है। और वो अंश किनके है ये अगर जानना है तो सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। 14 तबक जिनो शिर पर और 14 उपचार, मध्य महल कैवल कुल। और वो कैवल करता कहाँ है, 14 लोक उपचार, मध्य महल कैवल कुल, सुगढ़ सभोम सघाड़, सुगढ़ और सभोम सुंदर भुवन, वहां कर्ता सृजनहार विराजमान है, जो 14 लोक से परे है, जिसके आगे भी 14 लोक मानो पीछे भी 14 लोक मानो, वो 14 लोक से परे एक दिव्य धाम में, कैवल धाम में वो हमारे कर्ता विराजमान है। उसको जब तक हमें नहीं जानते, तब चाहे जीव हो चाहे ईश्वर हो, राजा हो चाहे रंक हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ते कैवल खुद खावन अखिल जीवन किरतार, कहें कुबेर दर्शाव हो। बस मैं यही काम करता हूं, परम गुरु करुणा सागर कहते हैं मैं यही काम करता हूं, वो कर्ता का दर्शन तुम्हें कराता हूं। ते कैवल खुद खावन अखिल जीवन कीर्तार, समस्त जीवों का जो कीर्तार है सृजनहार है उसका मैं दर्शन कराता हूं। लेकिन किसको दर्शन कराऊंगा, जो जन होय जो मेरे शरणे आएगा उसको मैं ये दान देता हूं, कर्ता के ज्ञान का दान देता हूं। ये संध्या साखी का विवरण हुआ। हमारी उपासना में इतनी बात आती है, उसके बाद आती है संध्या आरती। अब हम आरती करेंगे, आरती है इसका मतलब अब पूरा होगा। अब पूर्णावती की ओर हम जा रहे हैं, आरती कब से आरत लगी है, कब आरती आए, कब आरती आए, आ भी गई। आरती के बारे में, हम आरती किसकी करेंगे, ये आरती की रचना भी परम गुरु करुणा सागर ने की है। करुणा सागर कहते हैं कि हम कैवल कर्ता की आरती करेंगे, सृजनहार की आरती करेंगे, और हम ही नहीं करेंगे सारा संसार आरती करेगा, सारा संसार इसलिए आरती करता। आरती एक प्रकार का यशगान है, सृजनहार का यशगान करेंगे हम सब, सारा विश्व करेगा, क्योंकि सबको उसने बनाया है।
उसकी प्रेरणा से ही 14 लोक चल रहे हैं, उसकी कृपा से ही चल रहे हैं, उसके रचयिता हुई है। इसलिए जितने संसार में है सब मिलकर क्रमशः एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक वैसे सृजनहार की आरती हम करते हैं। तो कहते पहली आरती तो गुरु महाराज कहते मैं ही कर देता हूँ। पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जा करत विलासा, आरती करत निगम हरिदासा। गुरु महाराज कहते हैं मैं प्रेम से और उल्लास से पहली आरती करता हूँ, अनंत कोटि जो करत विलासा, अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश समान सृजनहार जहाँ विलास करते हैं वैसे परम धाम में उन सृजनहार की मैं आरती करता हूँ जो अगम है, अगोचर है और अविगत है। उसी सृजनहार की आरती मेरे बाद बाकी सब देव करते हैं। दूसरी आरती देव आरती दीरद मुहूर्त की, देव सकल दिव्य मंगल मुहूर्त की, जितने मंगल मूर्त देवता है वो सारे इकट्ठे होकर मेरे साथ उस कर्ता की आरती करते हैं। दूसरे के बाद मेरे साथ आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन महान जो देवता हैं वो भी एक साथ मिलकर उसी विश्वनियंता की आरती करते हैं। अर्थ सुधारने का इसमें जो लिखा है उसमें। और फिर चौथी आरती गुरु महाराज के जो प्रणव जिसके पेज से शरीर भरा हुआ है, शरीर चलता है, प्राण, वो प्राण सृजनहार की आरती करते हैं। और फिर पंचमी आरती परम पुरुष की, जो परम पुरुष है जो दिव्य धाम में विराजमान है वो परम पुरुष भी कर्ता की सृजनहार की आरती करते हैं, क्योंकि उनको भी परम पुरुष को भी सृजनहार ने ही बनाया है। षष्टम आरती छठी आरती सभी और अवतार मत्स्य कच्छ वैग्र आदि जो अवतार हैं 10 अवतार वो सारे इकट्ठे मिलकर वो छठी आरती सृजनहार की करते हैं। सातवीं आरती व्यापक शक्त मिल करती है, आद्य शक्ति भी सृजनहार की आरती करती है। और जो अंजन निरंजन पुरुष है आद्य पुरुष वो आठवीं आरती करते हैं। नवमी आरती में नवनिधि और सिद्धि मिलकर सृजनहार की आरती करती है। और दसवीं आरती उसी आद्य पुरुष की हम सब मिलकर करते हैं, वैसे वो उसकी किसकी आरती करते हैं तो जाहि परंतु अंतु नहीं कहो कि त निज कैवल कारण विन उत इत, जहाँ अंत के बाद कोई नहीं रहता उसी कर्ता की हम आरती करते हैं। बाकी का तो सब अंत अंत हो जाता, सब अंतन के अंत ही सब धरता धरनार, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका अंत सबका अंत जिसमें होता है वैसे परमपद निज कैवल कारण विन उत इत, कैवल कर्ता के सिवा उत इत में जब सृष्टि प्रलय होती है महाकल्प पूर्ण होता है तब कुछ भी बचता नहीं है, केवल एक कर्ता ही बचते हैं उसकी में हम आरती करते हैं। जिसके शुद्ध संकल्प से एक पलक में पूरा खलक पैदा होता है, शुद्ध संकल्प से एक पलक में पूरा खलक पैदा होता है वैसे सृजनहार की हम आरती करते हैं। कहें कुबेर अनेर आरत की, भव उत्पन्न अब लग सारत की। उसी तरह अद्भुत सृजनहार जिन्होंने ये सारा विश्व बनाया है और सभी को जिन्होंने पूरी तरह से सजाया है वैसे भव उत्पन्न करने वाले सृजनहार की हम सब आरती करते हैं। हमें उनकी ही आरती करनी चाहिए, सारे देवता, सारे अवतारी पुरुष, आद्य शक्ति, रिद्धि सिद्धि, मतलब अष्ट निधि, अष्ट सिद्धि, नव निधि, प्राणायाम, सब मिलकर उस सृजनहार की आरती की है। उसी आर सृजनहार की हम अब स्तुति करते हैं। आरती करने के बाद आती है स्तुति। सस्वयंग सदपदंग सर्वमोक्ष अद्वैतंग अनुसुतंग, इसमें भी एक शब्द का ही वाक्य बनाने का है। सस्वयंग सदपदंग एक शब्द है, जो स्वयं है, सस्वयं है, जो सदपद है, जो सर्व को मोक्ष देने के मोक्षदायक है, वैसा जो अद्वैत है और जो अनुसंग किसी के साथ उसका कोई संग नहीं है, वैसा भव वितंग जिन्होंने पूरा भव पैदा किया है ऐसे सृजनहार ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तत्वताय तदपदंग साम्रथाय साक्षियंग, तत्वताय तदपदंग, आप तत्व को तदपद हैं, साक्षी हैं, सामर्थ समर्थ हैं, सभी के आप साक्षी हैं, आप मंगलमय है, आपकी गति महान है,
वैसे हे विश्वनीता सृजनहार प्राणपति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप देवाधिदेव हैं, आप चैतन हैं, यद लोकंग सहित सहियतम देवाधियंग चैतनंग यद लोकंग सहितयम व्यापितंग विश्वयंग। ये लोक और परलोक सहित सभी देव, सभी में आप सभी के देवाधिदेव हैं। आलोक और परलोक में सभी में आप देवाधिदेव हैं और सबको चैतन करने वाले हैं। आपकी शक्ति व्यापक है, सारे विश्व में आपकी शक्ति व्यापक है। आप अक्लेद अंग है, यानी किसी तरह का अंग आपका नहीं है, वैसे विश्वनियंता सृजनहार है। न भगतंग अनुभवे न वार पार अंतयंग सर्वज्ञ स्वच्छंद संग। नभगतंग अनुभवे, आपका अनुभव गगन जैसा है, नभ जैसा है। नभ कैसा है? तो जिसका वार पार और अंत नहीं है, अनंत है, आकाश जैसे अनंत है, उसका कोई वार पार नहीं है, वैसे आपका अनुभव भी गगनाकार है, अनंत है। आप सर्वज्ञ है और स्वतंत्र है, स्वच्छंद नंग यानी स्वतंत्र है। ऐसे हे केवल कर्ता, आपका जय हो, जय हो, जय हो। संध्या आरती हमारी यहाँ पूर्ण होती है। परम गुरु ने दोनों रचना की है, संध्या साखी की रचना भी करुणा सागर जी की है, संध्या आरती की रचना भी परम गुरु की है और संध्या स्तुति की रचना भी परम गुरु की है। ये सारी रचना हो जाने के बाद फिर नारदा जी महाराज आ जाते हैं कि भाई हम तो हमारे गुरु महाराज की जब तक स्तुति प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती, तो अब क्या करेंगे? तो कहे गुरु महाराज को पौधन आरती करा देंगे कि अब आप शयन करिए। देखिए दक्षिण भारत में तो ऐसा होता है, दो तरह की मूर्तियां होती, चल और अचल। जो चल मूर्तियां तो हर रोज रात को उसको पालखी में बैठा के शयन खंड में ले जाया जाता है और वहां शयन करा दिया जाता। ये हमारा भाव है कि हम पूरी तरह से राजसी उपासना है कि सुबह में पूरे बाजे बाजे से महाराज की मंगला करें, फिर उनकी पद्धति से पूजा करें, फिर पूरी तरह से श्रृंगार कराएं, फिर श्रृंगार आरती करें, फिर नैवेद्य करें। ये सब पूजा का प्रकार है, समर्पण का प्रकार है। वो हम करते हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारा कर्ता का मेन है कि हम सृजनहार के अंश हैं। और जहाँ सृजनहार की बात होती है वहाँ फिर कुछ भी लेना देना रहता नहीं है। इसलिए पौधन आरती का हमारा भाव है, हम एक अनुभूति करते हैं कि करुणा सागर महाराज हमारे समीप में है। प्रक्रमा करेंगे, पौधन आरती करेंगे, स्नान कराएंगे, पूजन कराएंगे, उससे उनको नैवेद्य करेंगे, उससे एक अनुभूति होती है कि जिस गुरु महाराज ने मुझे अखंड अजर अमर सृजनहार का लक्ष्य दिया, मैं उनके पास हूँ, उनके समीप हूँ, मैं उनसे दूर नहीं जाता। ऐसी अनुभूति के लिए हम ये सारी प्रार्थनाएँ उनको नौछावर करते हैं। तो पौधन आरती बड़ी अच्छी बनाई है नारदा जी महाराज ने, पौधन आरती। उनका राग भी ऐसा सरस पसंद किया है सुंदर कि आप बोलो, बोलते बोलते जो है निश्चित इतनी इतना लय आता है कि मैं समझता हूं गुरुदेव निश्चित रूप से, निश्चिंत रूप से शयन में चले जाते होंगे। अच्छी तरह से बोलो तो, वरना कई लोग तो मैंने ऐसी तरह से बोलते हुए देखा है कि किसी को नींद आ गई वो भी जाग जाएगा। लेकिन यहां जो बनाई है गुरु महाराज ने, जो रचना की, उसका राग इतना अच्छा है। पौड़े सुख सहजसी महाराज करुणा सागर राज, पौड़े सुख सहजसी। कितना सुंदर भाव है, पौड़े सुख सहज श्री महाराज। महाराज आप पौड़िए सुख सहज पर, आप कैसे हैं? संतन के सुखदायक लायक नायक सजन स्वराज। आप संतन को सुखदायक, सुख और सुख सुख देने के दायक लायक हैं। शोभा सुंदर अति अनुपम षोड़श चिन्ह धरे साज, और आपकी शोभा अतिशय अनुपम है और आपके शरीर पर षोड़श चिन्ह धारण किए हैं। नायक सजन स्वराज,
आप सभी सज्जनों के अग्रणी है, आप नायक हैं सबके, सभी स्वजनों पर आपका शासन है, सबके शीर मोहर हैं आप, ऐसे आप हैं। कला खटदश विभूति पूर्ण परम गुरु जग काज, लाए लक्ष्य अलौकिक अनुभव सुर गति नहीं समाज। जो देवों में भी नहीं है ऐसी गति आप लाए हैं। सोल विभूति से आप परिपूर्ण है और जगत का कल्याण करने के लिए आप ये विभूति लेके आए हैं। खटदश विभूति आप सबका कल्याण करने के लिए आए हैं, लाए हैं। लाए लक्ष्य अलौकिक अनुभव, ऐसा अलौकिक अनुभव और लक्ष्य लेके जो आप आए हैं कि विश्व में देव समाज के पास भी ऐसा अनुभव नहीं है, ऐसा आप लाए। नवगन श्याम आपका स्वरूप है। आपको किसके बराबर कहूं, उपमा देने के लिए कोई संसार में आपके योग्य कोई उपमा ही नहीं है। दामी कहत दल दाज, किसी को अगर किसी का वर्णन करना है कि कैसा सुंदर है तो हम किसी तरह की उपमा लेते हैं, भाई इसका मुख कैसा है, तो कि सुंदर, इसका मुख तो कैसा है, चंद्र जैसा, उपमा दे सकते हैं। लेकिन कभी चंद्र के लिए उपमा, सूर्य कैसा दिखता है तो कभी कह सकते हैं कि हमारे चंद्रकांत भाई जैसा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य के आगे वो चंद्र की कांति तो हमने किसी को दे दी। तो उसी तरह परम गुरु कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, उसकी उपमा तो संसार में दी ही नहीं जाती। अगर कोई कहेगा कोई उपमा के लिए कोई पात्र देगा तो मुझे दुख होगा, क्योंकि परम गुरु समान इस विश्व में उपमा अप देने योग्य भी कोई नहीं है। दामी कहत दलराज, तेज पुंज प्रकाश पावन करत रहत जनलाज। उनके मुख से जो तेज पुंज निकलता है वो सबको पावन करने वाला है। करत रहत जनलाज, और लोग उनके दर्शन करते शर्माते हैं, इतना सुंदर कि लोग जो है उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वैसा गुरु महाराज का स्वरूप है। चंदन सहज जड़ित्र सोवर्ण पुष्प बिछोड़ी बिछाज, अत्र अर्ग की पौड़े सुखा। ये पंक्ति बोलने में कई लोग कई गलतियां करते हैं, मैंने सुना है। अत्तर की जगह कल तब कितने बोले अंतर, अरे तुम्हारा अंतर कम करने के लिए आए और तुम अंतर क्यों करते हो, अत्तर है सुगंधित पदार्थ और लपट, उस पर एक लपट लगाई। कई बोलते हैं लंपट, कई लंपट लंपट बोलते हैं। तो चंदन की सहज बनाई है, सुवर्ण से जड़ित है, पुष्प की पिछवाड़ी बनाई है, अत्तर अगर की वहां लपट लगाई है, केसर ताज आदि का सुगंध आदि सुगंध वहां रखी गई है, और वहां हमारे गुरु महाराज शयन करते हैं। सेव करण सब सुर आए संत सज्जन को समाज, उनकी सेवा करने के लिए संत और सज्जनों का समाज तो आया है, साथ में देवता गण भी आए हैं। सबको अत्यंत उल्लास है, आनंद है, और आनंद होता तब क्या होता, कोलाहल, थोड़ी देर के बाद देखना आनंद होगा तो कोलाहल भी होगा। हाँ, इसीलिए कभी कहे कि भाई गड़बड़ मत करो, तो आप कहना कि हम आनंद कर रहे हैं, आनंद में है, यहां सब अत्यंत आनंदित है, तो कोलाहल है, और कोलाहल देखकर हरखे गरीब नवाज, गरीब नवाज गुरुदेव हर्षमान होते हैं। सबको प्रसन्न होकर देखे, सबको प्रसन्न देखकर उनको भी प्रसन्नता होती है, स्वाभाविक बात है। जब माता पिता बैठते, बच्चे खुश होकर प्रसन्न होकर जब खेलते हैं तो माँ कितनी प्रसन्न होती है, बच्चा को प्रसन्न देखकर माँ प्रसन्न होती है, उसी अपने सेवक को प्रसन्न देखकर गुरु महाराज भी खुश हो रहे हैं। श्रीमत कुबेर सब सुख के दाता, देखी उचरे आवाज, नारायण दास आश पद रज की पूरे पूर्ण काज। श्रीमत कुबेर सब दास को दल, इतना सारा दल, श्रीमत कुबेर ने सेवकों का दल देखा, देवता गण भी है, संत समाज भी है, सज्जनों का समाज भी है, वो सब देखकर देखी उचरे आवाज,
इन सबको देख कर वो आशीर्वाद का उच्चार करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से नारदास आशपद रज की पूरे पूर्ण कार, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो हमारा कार्य सब पूर्ण हो गया। तो ये है हमारी प्रातःकाल और सायंकाल उपासना। मैंने कहा था कि सायंकाल प्रातःकाल उपासना सागर में गागर है, उसमें सब तरह का ज्ञान आ जाता है। जो ज्ञान लेकर दिव्य परम गुरु विश्व में आए हैं और उन्होंने जो सारे ग्रंथों में ये ज्ञान की जो चर्चा की है, उस सबको बड़ी बुद्धिमानी से, बड़े कुनेह से, बड़ी विद्वता से, बड़ी एक तरह की दिव्य कला से गुरु महाराज ने इसमें सम्मिलित कर दिया है। और प्रार्थना का जो आयोजन किया गया है, जो क्रमबद्धता की है, विशेष करके हमारे पूज्यपाद शीतलदास जी महाराज से, जैसे ज्ञान संप्रदाय के हम जानते हैं वैसे आद्य स्थापक परम गुरु श्रीमत करुणा सागर महाराज है, और एक गुरुगादी है सारसापुरी। करीब 225 साल पहले परम गुरु करुणा सागर महाराज प्रकट हुए और उन्होंने सकर्ता सिद्धांत की ज्ञान संप्रदाय की परंपरा शुरू की। उसी परंपरा में नारदास जी उनके पट्ट शिष्य हुए, जिनकी बार बार जिनका जिक्र ये प्रवचन में हुआ आपने सुना, वो परम गुरु के पट शिष्य थे, परम गुरु के अंतेवासी थे, गुरु महाराज के सानिध्य में रहते थे, और बाद में करुणा सागर महाराज श्री ने उनको ही अपना उत्तराधिकारी बनाया और तब से गद्दी परंपरा चलती है। आप जानते वैसे अपनी गद्दी परंपरा त्यागी परंपरा है, गुरु के बाद उनका शिष्य इस गद्दी पर आता है, और उसी तरह परंपरा चलती 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 षष्ठम कुबेराचार्य में शीतलदास जी महाराज से आए, जिन्होंने हमको ये सब सारी उपासना तो ग्रंथों में हस्तलिखित ग्रंथों में मौजूद थी, उसमें से निकाल कर हमारे सामने रखी और कहा कि गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया है कि उपासना हमको करनी है, इसी उपासना के माध्यम से ही परम गुरु को जान पाएंगे, और परम गुरु को जान पाएंगे तभी उनको पहचानेंगे और उनके लिए हुए ज्ञान को हम समझ पाएंगे। तो ये उपासना की परंपरा पूरी तरह से सजा के हमारे सामने रखी और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा कई वर्षों से, मैंने देखा कि सब लोग प्रार्थना तो अच्छी करते हैं, कभी कभी थोड़ा उच्चारण वगैरह में कहीं गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर इस प्रार्थना को, इस उपासना को अच्छी तरह समझा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ज्ञान इसमें, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है आध्यात्मिकता का, उसको हम सरलता से प्राप्त करें। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये नित्य नियम शिविर, शिविर का मतलब हो एक अभ्यास वर्ग जिसमें हम बैठकर अभ्यास करें, जिसमें और किसी विषय पर प्रवचन नहीं होता, प्रवचन तो हम करते हैं और विषयों पर भी करते हैं, जिसमें ये ग्रंथ लेकर बैठने की भी जरूरत नहीं होती, उसके आधार पर बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये विशेषकर जो बात रखी है कि एक एक पंक्ति जो हम प्रार्थना में बोलते हैं वो सारी पंक्तियों का क्या मतलब होता है, वो क्या कहना चाहती है, उसमें से क्या उपदेश हमको मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है, उपदेश और आदेश दोनों, गुरु महाराज का उपदेश और आदेश दोनों को हम अच्छी तरह समझ पाए तो ये निश्चित बात है कि हम जो करेंगे उसका फल हमको मिलेगा, क्योंकि जब तक हम पूरा इसको अच्छी तरह से करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे करेंगे। इसी दृष्टिकोण को लेकर ये लघु नित्य नियम का हमने शिविर का आयोजन किया और आप सब लोग इतनी सारी संख्या में इसको सुनने के लिए आए, वो भी बड़ी बात है। और मेरा तो पूरा एक ध्येय ही है कि करुणा सागर महाराज ने करीब जो 11,000 चौपाई कुल लिखी हुई है, 11,000 करीब, वो सारी की सारी चौपाई का अभ्यास उसी तरह बैठ कर हम करें तो निश्चित परम गुरु करुणा सागर का ज्ञान खजाना होगा, उसके समीप हम पहुंचेंगे। कितने रत्न उसमें से मिलते हैं, कौन कितना बटोरता है, वो बात दूसरी है, लेकिन गुरु महाराज ने जब एक ज्ञान का पटारा रखा है तो उसको कम से कम खोल तो दें, जिसे जिसकी जितनी इच्छा होगी, जिसकी जितनी महेच्छा होगी उतना पाएगा, और बिना ज्ञान तो उद्धार नहीं है। परम गुरु का विश्व में आने का उद्देश्य भी यही है कि मैं
एक सृजनहार का ज्ञान सबको पहुंचाऊं। और जैसे आगे हमने सुना, इधर उधर जहां तहां लोग भटक रहे हैं, जहां तहां अज्ञान अंधकार में अटक रहे हैं, तो उस सब में से मुक्त होकर वह अपनी शक्तियों का तो व्यय करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति के व्यय के प्रमाण में जो परिणाम मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। तो उनको एक आत्मसात हो, आत्मज्ञान हो, एक आत्मसंतोष हो, और एक अच्छे सज्जन की तरह जीवन जीकर मनुष्य जीवन को सार्थक बना सके, इसी उद्देश्य से परम गुरु श्रीमत करुणा सागर विश्व में आए हैं। उन्होंने ज्ञान परंपरा का प्रारंभ किया है और ये ज्ञान जन जन पहुँचाने का हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें जिसकी किस्मत होगी उसको प्राप्त होगा, और जिसको जैसे आगे कहा नारंदा जी महाराज ने, जिसको परम गुरु के शरण में प्रीत होगी वो दौड़ा दौड़ा आएगा और इसको अपनाएगा और अपना जीवन को सार्थक करेगा। करुणा सागर महाराज की कृपा हम सबको प्राप्त हो और हमारा जीवन सार्थक बने, ये अभ्यर्थना के साथ नित्य नेम शिविर का हम यहाँ समापन करते हैं। सत केवल साहेब।